ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद 12वां अध्याय, जिसका शीर्षक है महाराज रहुगुण तथा जट भरत की वार्ता। श्लोक क्रमांक 13। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादा प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः। निषेव्यमानो नुदिनं मुमुक्षु मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः। निषेव्यमानो नुदिनं मुमुक्षो मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विगात। निषेव्यमानो नुदिनं मुमुक्षो मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। यतोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः। निषेव्यमानो नुदिनं मुमुक्षो मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। यत्र जिस स्थान में भक्तों के समक्ष उत्तम श्लोक गुण अनुवादः श्री भगवान की लीलाओं तथा गुणों की चर्चा प्रस्तुत की जाती हैं। ग्राम्य कथा विघातः जिसके कारण लौकिक विषयों की चर्चा के लिए
अवसर नहीं मिलता। निषेव्यमानः अत्यंत मनोयोग से सुनी जाकर अनुदिनम नित्य प्रति मुमुक्षुः भौतिक बंधन से निकलने के लिए इच्छुक व्यक्ति का मतिम ध्यान सतीम शुद्ध तथा सरल यच्छति लगा देती है। वासुदेवे भगवान वासुदेव के चरण कमलों में अनुवाद तथा तात्पर्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद अनुवाद तात्पर्य भी दिखाते हैं यहाँ पे पूरा यहाँ वर्णित वे शुद्ध भक्त कौन हैं। शुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति या समाजशास्त्र जैसे सांसारिक विषयों पर चर्चा चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं स्वरूप एवं गुणों की चर्चा होती है। उनकी प्रशंसा तथा उपासना पूर्ण मनोयोग से की जाती है। यहाँ तक कि विशुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे विषयों को लगातार आदर पूर्वक सुनने से ऐसा पुरुष जो परम सत्य में तदाकार होना चाहता है वह भी अपने इस विचार को त्याग कर क्रमशः वासुदेव की सेवा में आसक्त हो जाता है। तात्पर्य इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। शुद्ध भक्त कभी भी सांसारिक विषयों में रुचि नहीं रखता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को सांसारिक विषयों के संबंध में चर्चा करने के लिए वर्जित किया है। ग्राम में वार्ता न कहिबे। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जगत के समाचारों के विषय में वृथा चर्चा करने में संलग्न न हो। मनुष्य को इस प्रकार से समय नहीं गंवाना चाहिए। भक्त के जीवन का यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्त के समक्ष श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य ध्येय नहीं होता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इसलिए चलाया गया था जिससे लोगों को भगवान की सेवा में निरंतर व्यस्त रखा जा सके। इस संस्था के विद्यार्थी प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते हैं। उन्हें राजनीति समाजशास्त्र तथा सामयिक विषयों की वृथा चर्चा में समय गंवाने का अवसर ही नहीं मिल पाता। यह सब तो चलता ही रहेगा। भक्त को सकारात्मक और गंभीर रूप से कृष्ण की भक्ति से सरोकार होता है।
ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले अध्याय यानी 11वें और आज के इस 12वें अध्याय में जट भरत जो जब से इस धरती पे जन्मे थे इस जन्म में किसी से कुछ नहीं बोले थे। आप सब लोग काफ़ी समय से सुन रहे हैं इस कथा को कि जब महाराज रघुगुण के पालकी को ले जाया जा रहा था तो वहाँ पर रास्ते में एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी जो पालकी को उठाने में मदद कर सके। तो उस टाइम बाकी सब लोगों ने देखा कि जट भरत व्यक्ति जो है तगड़ा दिख रहा है, इसको सेवा में लगाना चाहिए। और ऐसा कर जट भरत को भी महाराज रघुगुण के पालकी उठाने में मदद करने के लिए लगाया गया। और उस समय ऐसा हुआ कि कई बार पालकी को ले जाते समय रास्ते में कुछ चींटियाँ आ रही थीं जिसपे से जट भरत कूद लगा रहे थे, जंप कर रहे थे। तो जब जट भरत पालकी लेकर कूदते तो पालकी भी उधर से हिलती जोर शोर से, जिसके कारण महाराज रघुगुण जो पालकी में बैठे थे उनको बहुत कठिनाई हो रही थी। एक हाथ बार तो उन्होंने सहन किया लेकिन जब ये बार बार होने लगा तो वे बड़े क्रोधित हो उठे और उन्होंने चिल्लाकर पूछा, कौन है ये व्यक्ति जो, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, मैं जो इस प्रकार से पालकी की सेवा ठीक से नहीं कर रहा। अब वे पालकी से बाहर निकलकर डांटने लगे उस व्यक्ति को जो इस केस में जट भरत थे कि आप क्यों ठीक से ये सेवा नहीं कर रहे, आप सेवक हैं, आपको पता है मैं आपका मालिक हूँ, एक सेवक को सही प्रकार से मालिक की सेवा करनी चाहिए। कई सारी ऐसी बातें महाराज रघुगुण ने जट भरत को बोली। तो उस दिन पहली बार जट भरत कुछ बोले। भगवान के शुद्ध भक्त से ज़बरदस्ती कुछ बुलवाया नहीं जा सकता, अगर वो कुछ बोलना चाहे तो, अगर कुछ वो ना बोलना चाहे तो, और उनको चुप भी नहीं रखा जा सकता अगर वो कुछ बोलना चाहे तो, क्योंकि वो नहीं कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान की इच्छा के अनुसार फंक्शन करते हैं। जब उनको भगवान से प्रेरणा मिलती कुछ बोलने की वो परवाह नहीं करते लोग क्या सोचेंगे, और जब उनको प्रेरणा मिलती अंदर से ना बोलने की
तभी भी वो परवाह नहीं करते कि इसका क्या फल होगा, लोग क्या सोचेंगे। जैसा भीष्म पितामह के केस में जब द्रौपदी पूछ रही थी कि धर्म क्या है, वो पति जो खुद अपने आप को हार चुका है जुए में, क्या एक पत्नी को दांव पे लगा सकता है, ये सही धर्म है क्या? भीष्म पितामह महाजन हैं, उन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान ही नहीं साक्षात्कार भी है, फिर भी वे चुप थे। तो इस दिन महाराज रहुगुण जट भरत को भगवान द्वारा प्रेरणा मिली। नहीं तो देखा जाए तो शुद्ध भक्त निष्किंचन से भगवत भजनोन्मुख से पारम परम जिगमिशोर भव सागर से संदर्शनम विषयी नाम अथ योषिताम च। जो भगवान के निष्किंचन भक्त होते हैं वे राजनीति के लोगों से और स्त्रियों से बात करने में रुचि नहीं रखते। विषयी नाम अथ योषिताम च, जो विषयी वस्तु में मग्न लोग हैं उनसे साधु दूर रहते हैं। तो ये एक राजा थे महाराज रघुगुण। तो देखा जाए तो जट भरत को आवश्यकता नहीं थी महाराज रघुगुण को कुछ बोलने की। एक मटेरियल कैलकुलेशन, भौतिक अगर तरीके से सोचा जाए तो आवश्यकता नहीं थी एक साधु को एक राजा से कुछ बात करने की। अपना काम करते, राजा को भी सेवा पसंद नहीं आई तो चले जाओ, चुपचाप वहाँ से जट भरत जा सकते थे बिना कुछ बोले। लोग सब बोलते पागल है व्यक्ति, ठीक से सेवा नहीं करता, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चले जाते वहाँ से वो। लेकिन उस दिन वो बोले, जब परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को भगवान ने प्रेरणा दी थी कि जाकर परीक्षित महाराज को आप 7 दिन कथा सुनाओ, वो नग्न जा रहे थे तो रास्ते में कई स्त्रियां और बालक उनको एक पागल व्यक्ति समझकर उन पर पत्थर फेंक रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उनका। लेकिन उस समय सुखदेव गोस्वामी उनको कुछ नहीं बोले, चुपचाप चलते चले गए उस सभा तक जहाँ पे परीक्षित महाराज और कई हजार साधुगण, व्यासदेव, नारद मुनि सब एकत्रित थे। उस सभा तक सुखदेव गोस्वामी चुपचाप चलते चले गए, उस टाइम कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे ही वो सभा में प्रवेश किए, वहाँ पे जितने भी उपस्थित साधुगण थे सभी लोग सुखदेव गोस्वामी इस नग्न पुरुष को प्रणाम किए, जिसको देखकर वो स्त्रियाँ और बच्चे घबरा गए कि अरे ये क्या हुआ। तुरंत वे लोग वहाँ से चले गए। और उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं आगे कि कैसे सुखदेव गोस्वामी सीधा जाके प्रेसिडेंशियल सीट, जो व्यास आसन तैयार किया गया था प्रवचनकर्ता के लिए, सीधे वहाँ जाकर बैठ गए। तो शुद्ध भक्त किस समय बोलता है, क्या बोलता है, कितना बोलता है और किस समय शांत रहता है, पूरी तरीके से वे भगवान के प्रेरणा में, प्रेरणा के अनुसार अंतर्गत करता है, अंतर्गत अपना बर्ताव करता है। तो इस परिस्थिति में महाराज रघुगुण के सामने जट भरत कुछ बोले, क्या बोले, पिछला अध्याय और इस अध्याय में यही चर्चा चल रही है। बड़े छोटे छोटे अध्याय हैं ये, जनरली इतने छोटे अध्याय शास्त्रों में दिखते नहीं प्रभुपाद जी की पुस्तकों में। पिछला अध्याय 17 श्लोकों का अध्याय है, भगवद्गीता का सबसे छोटा अध्याय 20 श्लोकों का है, 12वां अध्याय अथी 15वां अध्याय भी, और ये वाला अध्याय चल रहा है 16 श्लोकों का है। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त बहुत ज़्यादा नहीं बोलते लेकिन बहुत गहरी बातें बोलते हैं। जब बोलते हैं तो एक एक श्लोक बहुत गहरा है। तो ये जो श्रृंखला चल रही है इस अध्याय में, जट भरत
भगवान को कैसे ब्रह्मन के स्तर पे, परमात्मा के स्तर पे और परम पुरुषोत्तम भगवान के साकार रूप में उनको समझा जा सकता है, उसकी उसका वर्णन कर रहे हैं। अब फिर पिछले श्लोक में वो बोलते हैं कि लेकिन एक साधारण तरीके से जैसा कि भौतिक सब्जेक्ट मैटर को समझा जाता है वैसे भगवान को नहीं समझा जा सकता। कोई भी चीज़ को भौतिक जगत में समझना है तो उसको उसके बारे में कुछ पढ़कर समझा जाता है, कहीं से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है उसके माध्यम से समझा जाता है। लेकिन जट भरत ये समझाना चाह रहे हैं महाराज रघुगुण को कि भगवान को समझने का केवल एक तरीका है जो पिछले श्लोक में वो बतलाते हैं कि भगवान को केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। जैसा अभी हम इस वैष्णव गीत में भी गा रहे थे, कृष्णा से तोमार कृष्णा दीते पार तोमार शक्ति आछे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। कृष्ण आपकी संपत्ति है, केवल आप ही कृष्ण को किसी को दे सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं तो कंगाल हूँ, केवल कृष्ण नाम ले सकता हूँ लेकिन कृष्ण को समझने की शक्ति नहीं रखता। वो यदि आप चाहें तो कृष्ण मुझे प्रदान कर सकते हैं। वो छूट भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों को दे रखी है कि जगत के लोगों को जो भगवान के संबंध से अलग हो चुके हैं, जो संबंध को भूल चुके हैं, उनके भूले हुए संबंध को पुनः जागृत कर सकें। भगवान श्री रूपा जी तात्पर्य में पिछले श्लोक में बतलाते हैं वेदेषु दुर्लभम, भगवान को शास्त्रों के माध्यम से भी नहीं समझा जा सकता। अगर कोई ये सोचते हैं हम शास्त्र पढ़ के भगवान को समझेंगे, शास्त्र तो भगवान की ही वाणी है, आप कितना ही क्यों शास्त्र ना पढ़ लें लेकिन आप उन शास्त्रों के माध्यम से भगवान को नहीं समझ सकते। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन वही दुर्लभ समझने वाले भगवान आसानी से समझे जाते हैं जब उनका कोई शुद्ध भक्त उनको समझाता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त में वो शक्ति प्रदान की जाती है कि वो ऐसे लोग जो भगवान से संबंध को भूल गए हैं उनके संबंध को पुनः जागृत कर सकता है, क्योंकि उस शुद्ध भक्त का भगवान से संबंध जागृत हो चुका है। तो वो व्यक्ति जिसके पास भगवान से संबंध जागृत रूप अवस्था में है केवल वही इस जगत के लोगों को के भूले हुए संबंध को जागृत कर सकता है। बाकी व्यक्ति आप शास्त्र पढ़ लें, कुछ दो चार बातें सीख लें और दूसरों को दोहरा दें, वो ऐसा है जैसा कि एक व्यक्ति जो पागल है अपने माता पिता के साथ अपने संबंध को भूल गया है लेकिन उसको बताया जाता है तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता हैं, अब उसका याददाश्त वापस नहीं आई है लेकिन उसको क्योंकि बताया गया ये तुम्हारे पिता हैं तुम्हारी माता हैं, वो भी औरों को बताता है जब उससे पूछा जाता है ये कौन है तुम्हारे पिता है ये कौन है तुम्हारी माता है, बोल रहा है वो क्योंकि उसने ये बात सुनी है लेकिन उसकी याददाश्त अभी वापस नहीं आई है। तो जो संबंध में जो मिठास है पिताजी के साथ या माताजी के साथ उसको वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, उसको वो महसूस नहीं कर रहा है लेकिन बोल रहा है ये मेरे पिता हैं ये मेरी माता हैं। तो इस व्यक्ति का ऐसा बोलना कि ये मेरे पिता हैं ये मेरी माता हैं और इसका जब याददाश्त वापस आ जाएगी फिर जब वो बोलेगा ये मेरे पिता हैं, बात वही बोलेगा वो भी लेकिन उसके बोलने में एक अलग शक्ति होगी क्योंकि अब वो साक्षात्कार के साथ बोल रहा है। तो इसलिए शुद्ध भक्त की वाणी में बहुत शक्ति होती है, सोते हुए जीव को उठाने की शक्ति होती है।
हम जैसे अभी नवसिखिया अवस्था में जिन्होंने थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत प्रवचन सुन लिए हैं, हम जब भगवान के बारे में किसी को बोलते हैं, वो ऐसा सोते व्यक्ति को थोड़ा हिला दो तो थोड़ा हिल जाएगा वो एक बार, लेकिन ज़रूरी नहीं उठ पाए वो, थोड़ा हिला देते तो हिलता है, क्या क्यों उठा रहे हो मेरे को करके, हो सकता चिल्ला भी दे हम पे, लेकिन फिर जाके सो जाएगा वो। उसको उठाए रखना कि वो स्वेच्छा से उठा रहे, और उठने के बाद जो क्रियाएं करनी चाहिए वो क्रियाओं में व्यस्त होए, वो उठाना मानवीय क्रिया नहीं है। कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य जब वो मानवीय स्तर पर है, वो ऐसे क्रिया नहीं कर सकता कि सोते हुए जीव का भगवान से जो भूला हुआ संबंध है उसको पुनः जागृत कर सके। इसलिए श्री प्रभुपाद जी क्लियरली पिछले तात्पर्य में ये बात लिखते हैं, केवल वेदों के आदेशों के पालन से आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती, मनुष्य को विशुद्ध भक्त के पास पहुँचना होता है। फिर बाबा जी विशुद्ध भक्त की एक परिभाषा देते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ऐसे भक्त के अनुग्रह से परम सत्य कृष्ण और उनसे अपने संबंध को समझा जा सकता है। जब तक ऐसे शुद्ध भक्त की संगति नहीं मिलती और उनसे नहीं सुना जाता भगवान के बारे में, तब तक व्यक्ति का भूला हुआ जो संबंध है भगवान से वो जागृत नहीं हो पाएगा। और आज के श्लोक में श्री प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि उस शुद्ध भक्त की के क्या लक्षण हैं, उनमें से एक लक्षण बतला रहे हैं कि ऐसा शुद्ध भक्त जो है वे भौतिक जगत से संबंधित बातें करने में इच्छुक नहीं होता, जिसे हम प्रजल्प कहते हैं, नहीं ऐसी बातें जिसको बोलने या सुनने से किसी व्यक्ति के हृदय में कृष्ण भक्ति का संचालन नहीं होता, ऐसी बातें नहीं करता। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए हमने ये संस्था चालू करी है, इससे भक्तों को 24 घंटे हम भगवान से संबंधित सेवाओं में लगा सकें। प्रभुपाद जी टाइम टेबल भी बतलाते हैं कि सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हमारे भक्त लोग व्यस्त रहते हैं भगवान की सेवाओं में, भगवान से संबंधित सेवाओं में। तो कभी कभी ऐसा जब सुनते हैं तो कई भक्त लोग, खासकर जो गृहस्थ आश्रम में हैं, वो सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, सुबह 5 से रात को 10 तक मंदिर में अनेक भगवान की सेवा हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो नौकरी करनी है, पत्नी बच्चों का पालन पोषण करना है। तो लोग अक्सर सोचते हैं कि ये हमारा जीवन तो मायामय जीवन है, हम तो लोग बोलते हैं वो माया में फंसे हुए हैं, प्रभु जी आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मतलब वो चाहते हैं कि वो अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर फुल टाइम मंदिर में आकर इस प्रकार से सेवाओं में लगें, जिससे कि वो पूरे समय उनका चेतना भगवान में लग सके, वो अपने भगवान से भूले हुए संबंध को जागृत कर पाएं। हर किसी को ऐसा करना, ये यही तरीका है केवल भगवान के शुद्ध भक्त बनने का, ये सही नहीं है। अर्जुन भी यही करना चाह रहे थे कि क्यों लड़ूं मैं, क्यों इन सब लोगों को मारूं मैं, मारना तो अच्छी चीज़ नहीं है। कई लोग बोलते हैं जो गीता को समझे नहीं है कि अच्छा खासा अर्जुन लड़ाई से बच के जाना चाहता था, इतना हिंसा से बचना चाहता था, अच्छे कैसे कृष्ण है ये। उन्होंने अर्जुन को जो कि नहीं लड़ना चाह रहा था उसको लड़ने पे मजबूर किया, जिसके कारण करोड़ों लोगों की का वध हुआ, और ऐसे कृष्ण को आप लोग भगवान मानते हैं, कर कर लोग कभी कभी निंदा करते हैं और गीता को अपने घर पे कभी नहीं रखते, डरते हैं गीता को घर में रखते हैं। तो अर्जुन जब गीता सुनने के बाद लड़ रहे थे, बहुत ही फोकस के साथ, व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक ही हम गुरु नंदना,
चेतना में अर्जुन लड़ रहे थे। तो वो तो ऐसे जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं फुल टाइम भगवान की सेवा में लगना, कीर्तन करना। हम जब सोचते हैं फुल टाइम भगवान की सेवा करना, मतलब कीर्तन करना, नाम जाप करना, भगवान के विग्रहों का श्रृंगार करना, ऐसी सेवाएं सोचते हैं। इन सेवाओं के माध्यम से हमारे अंदर कृष्ण भक्ति फिर से जागृत हो जाएगी। और जो ऐसी फुल टाइम सेवा नहीं करते वो तो माया में है। आप क्या सोचते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त, वे भी कोर्ट में जाकर केस लड़ते थे, केसेस को सुनते थे, जज थे वो। तो पूरे टाइम कृष्ण कथा चल रही है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, कृष्णा गुणानुवाद आदि, ये तो डायरेक्टली नहीं चलता था। रोज के 4-5-6 घंटा भक्ति विनोद ठाकुर इस जगत के संबंधित झगड़े जो हो रहे हैं उन केसेस को सुनते थे और उस पर जजमेंट देते थे। 40 से 50 अलग अलग केस दिन के सुनते थे वो, उस पर जजमेंट देते थे। या हमारे श्रील प्रभुपाद जी भी जब वो गृहस्थ आश्रम में थे तो बोस लेबोरेटरीज में काफ़ी समय उन्होंने नौकरी करी। वहाँ तो सारा दिन कृष्णा गुणानुवादात, कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करते थे अपने आस पड़ोस के भक्त लोगों से। कैसे दवाइयाँ बेचनी हैं, कैसे उनका स्टॉक रखना है, इस जगत के संबंधित चीज़ों के बारे में चर्चा करते थे कई घंटों रोज। क्या वो शुद्ध भक्त नहीं थे उस टाइम? जब उन्होंने संन्यास आश्रम लिया उसके बाद श्री प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त बने? या भक्ति विनोद ठाकुर जिस टाइम जज की सेवा करते थे, क्या उस टाइम वो शुद्ध भक्त नहीं थे? या अर्जुन जिस टाइम लड़ रहे थे भगवान के कहने से, वो शुद्ध भक्त नहीं थे? इसलिए शुद्ध भक्तों को समझना इतना आसान नहीं है। शुद्ध भक्त बाह्य रूप से हो सकता है बिल्कुल भौतिकवादी जैसा ही दिखें, भौतिकवादी जैसा ही क्रियाएं करें, लेकिन हृदय में उनके उस सेवा को करने का एक उद्देश्य रहता है। उनको इस बात का पूर्ण रूप से स्मरण है कि यह सेवा भगवान के निर्देशानुसार या किसी केस में गुरु के निर्देशानुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए ही की जा रही है। उसको इस बात का क्लियर साक्षात्कार होता है। बाह्य रूप से वो कोई भी सेवा में क्यों ना व्यस्त हो, श्री प्रभुपाद जी भी कभी कभी टेंपल कंस्ट्रक्शन की सेवा में व्यस्त रहते थे। ये पत्थर यहाँ नहीं लगाना, वहाँ लगाना है, ये ऐसा नहीं वैसा करना है, कितना इस्कॉन संस्था का मैनेजमेंट। हम कभी कभी एक मंदिर के डिपार्टमेंट हेड के रूप में एक डिपार्टमेंट चलाने में इतना हमारा दिमाग ख़राब होता है। यहाँ प्रभुपाद जी 100 मंदिरों का पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे और मैनेजमेंट की बातें होती थी कभी कभी, घंटों घंटों बैठकर मीटिंग्स होते थे। लेकिन हृदय में वो सब बातें करते समय भी क्लियर इस बात का साक्षात्कार रहता है शुद्ध भक्त के साथ कि ये सेवाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही की जा रही हैं। अगर इन सेवाओं का भगवान से कोई संबंध नहीं होता तो हम नहीं करते। हमारे साथ क्या होता है, हम जब इनडायरेक्ट सेवा में लगते हैं, कुछ कोई सेवा जैसे भगवान के विग्रह से संबंधित सेवा नहीं है या भगवान का नाम कीर्तन या नाम जाप या कथा श्रवण से अलग कुछ सेवाएं हैं, उन सेवाओं में करते समय हमारा ध्यान उन सेवाओं में इतना चले जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये सेवा भगवान के लिए की जा रही है। हमारे अंदर क्योंकि ये अभी कमजोरी है, इसलिए हम लोग को सुबह और शाम का प्रोग्राम दिया गया है जिसमें डायरेक्ट कृष्ण से संबंधित सेवाएं दी जाती, डायरेक्ट आरतियां गाना, भगवान का नाम जाप करना, कथा श्रवण करना। तो सुबह करीब 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक 4.5-5 घंटे डायरेक्ट कृष्ण से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। और फिर से शाम को प्रभुपाद जी ने बतलाया कि वापस आने के बाद तुलसी आरती, गौर आरती, तुलसी आरती और फिर गीता क्लास,
एक डेढ़ घंटा का फिर से का कार्यक्रम, तो 4.5-5 घंटा सुबह और एक डेढ़ घंटा शाम को, करीब करीब 7-8 घंटे। और बीच में प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम घंटा दो घंटा निकाल कर उनकी पुस्तकों का अध्ययन करें। तो करीब करीब 8 घंटे तो सॉलिड डायरेक्ट कृष्ण से संबंधित सेवाओं के बारे में श्री प्रभुपाद जी ने हम जैसे भक्तों को उस पर जोर दिया। शुद्ध भक्त अगर ये सब 8 घंटे की क्रिया ना भी करे उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो 24 घंटे कीर्तनीय सदा हरि, उसके लिए भागवत पे प्रवचन देना या मंदिर कंस्ट्रक्शन पे कुछ बोलना, दोनों एक बराबर है। या भगवान का नाम जाप करना है, नाम कीर्तन करना, एक बराबर है उसके लिए। क्योंकि वो जो भी कर रहा है केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। उसका भगवान से संबंध जागृत हो चुका है, वो जागृत अवस्था में वो क्रियाएँ कर रहा है। उसके लिए ये सेवाओं में कोई अंतर नहीं है। मैनेजमेंट की बातें करें, चाहे टेंपल कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे वो भागवत कथा की बात करें, उसके लिए फुल टाइम कृष्ण कथा ही बोल रहा है वो। लेकिन प्रभुपाद जी देखिए कितने एक्सपर्टीज के साथ, कितने चतुराई के साथ हम लोग के लिए हमारे स्तर पे भक्त को क्या करना चाहिए जिससे वो हम जैसे भक्त भी एक दिन शुद्ध भक्त बन के फिर हम जो भी आवश्यक है भगवान की सेवा के लिए वो कर सकेंगे। जिस समय भी उनके लिए, ऐसा नहीं रात का समय हो गया भाई सोने का टाइम हो गया, सुबह का समय चलो उठने का टाइम हो गया, ये टाइम खाने का टाइम है। श्री प्रभुपाद जी भी ऐसे दिनचर्या फॉलो करते थे, लेकिन उन जैसे भक्तों को ये दिनचर्या से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सुबह उठकर 16 माला का जप करने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे भक्तों को प्रेरणा देने के लिए वो इस प्रकार की क्रियाएँ बड़े ही सिस्टमेटिक रूप से करते हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त उसके लिए 2400 घंटे जो भी कोई क्रिया दे दी जाए, चाहे वो कोई भी आश्रम में भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी क्रियाएं बाह्य रूप से डायरेक्टली भगवान से संबंधित ना भी हो तो कृष्ण भक्ति ही है, कृष्ण भक्ति ही कर रहा है। जैसे इस केस में महाराज रघुगुण को जट भरत डायरेक्ट कृष्ण कथा बोल रहे हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले जट भरत किसी से कुछ नहीं बोलते थे, दिनचर्या की क्रियाओं में व्यस्त रहते थे, लेकिन चिंतन उनका भगवान में था। गए बोलते हैं ऐसा जट भरत अपने बारे में बतलाते हैं महाराज रघुगुण को कि मैं कैसे पिछले से पहले एक जन्म में भरत महाराज था, ऑलमोस्ट सफलता को प्राप्त कर लिया था मैंने कृष्ण भक्ति में, लेकिन किसी कारणवश एक हिरण से आसक्त हो गया। उसके बाद क्योंकि मैंने जो कृष्ण भक्ति की थी उसकी शक्ति से अगले जन्म में जब मैं हिरण के शरीर में था तभी भी मैं भूला नहीं कि मैं मेरे भगवान से क्या संबंध है। उस संबंध के अनुसार मैं हिरण के शरीर में भी था, लेकिन भगवान की कृपावश मेरे को स्मरण था इस बात का कि मैं पिछले जन्म में कितना बड़ा भक्त था, तो इसलिए मैंने उस जन्म में भी हिरण के शरीर में भी हिरण जैसे क्रियाएं नहीं करी, केवल जैसे साधारण हिरण क्या करते हैं ऐसा नहीं किया मैंने। और इस केस में जट भरत बनने के बाद तो उनके पिताजी द्वारा दी गई, उनके भाइयों द्वारा दी गई सेवाएं करते थे, खेत में जाकर पंछियों से सुरक्षा देते थे खेत को, डायरेक्ट कोई कृष्णा गुणानुवादात नहीं कर रहे थे वो। लेकिन अब उनका भगवान से संबंध जागृत हो चुका था और जागृत अवस्था में वो जो भी कुछ करें उसमें कोई अंतर नहीं है, भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे स्तर पे ये भेदभाव करना आवश्यक है। अगर हम सोचें नहीं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सेवा कर सकते हैं, हालांकि हृदय से तो तैयार होना चाहिए हमें कोई भी सेवा करने के लिए, उसमें हमें हमारी तरफ से भेदभाव एक लेवल पर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए श्री प्रभुपाद जी ने जो प्रोग्राम दिया है सुबह का कार्यक्रम और शाम का कार्यक्रम, इसमें डायरेक्टली कृष्ण से संबंधित क्रियाएं करना बहुत आवश्यक है। अगर हम सोचें पूरे 24 आवर्स बैठ के टेंपल कंस्ट्रक्शन या मैनेजमेंट या कोई भी इस प्रकार की सेवाएँ फुल टाइम कर सकते हैं, ये बहुत डेंजरस है। कई मेरे को सीनियर डिवोटीज़ ने जो
35 साल से इस संस्था में व्यस्त हैं और अनेकों अनेक मंदिर के बड़े बड़े सेवाएं उन्होंने करी हैं। वो कई बार मेरे को अपने साक्षात्कार शेयर करते हैं, बतलाते हैं कि कुछ समय हमको समय नहीं मिल रहा था प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने का, इतनी सारी GBC लेवल पर और अलग अलग लेवल्स पर सेवाएं थी तो हमको बहुत ऐसा मन विचलित होता था कि ये सब सेवाएं, सब दुनियादारी की चीज़ें सुनते 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 हमको लगा हमको भी थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा समय निकाल कर एकाग्रित रूप से शास्त्र का अध्ययन करना, हरिनाम का ध्यानपूर्वक जप करना। तो ये हमारे केस पे रेगुलेशन, यानी थोड़ा समय जैसे प्रभुपाद जी ने जो बताया है उसके अनुसार अपने डायरेक्ट कृष्ण से संबंधित सेवाएं करना, जिसमें डायरेक्ट हरि कथा सुनना, डायरेक्ट कृष्ण नाम का जाप करना, वो सब करना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ बाकी अन्य चीज़ें जो हैं तो गृहस्थ आश्रम में कभी कभी लोगों को करनी पड़ती हैं, बाहर जाकर नौकरी करना, अपने पत्नी बच्चों की देखभाल करना या माताओं के लिए घर में कुछ भोजन पकाना, घर की सफाई करना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मोह माया है, क्योंकि ये सेवाएं भी शास्त्रों द्वारा या भगवान द्वारा आदेशित हैं। एक गृहिणी का कर्तव्य है घर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको ठीक रखना, घर को स्वच्छ रखना, पति बच्चों के लिए भोजन तैयार करके भोग लगाकर उनको प्रसाद खिलाना, ये उनका निर्धारित कर्म है। इसी प्रकार पुरुष के भी निर्धारित कर्म हैं कि अपने पत्नी बच्चों की देखभाल के लिए घर की व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, आर्थिक रूप से उनकी देखभाल करना, आध्यात्मिक रूप से एक ऐसा वातावरण घर में क्रिएट करना जिससे घर में रहने वाले लोगों को कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षण आए। तो अगर पुरुष या स्त्री भी गृहस्थ आश्रम में भी क्यों ना हो, लेकिन बाकी समय यानी सुबह और शाम के कार्यक्रम के अलावा भी जो सेवाएं हैं उसको इस ध्यान से करें कि ये भगवान के शास्त्रों द्वारा ही अनुमोदित है ये, और ये करना भी ये करने से भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं कि केवल भौतिक क्रियाएं हैं, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए जल्दी जल्दी। कभी कभी लोग सोचते हैं 5 साल खूब मेहनत करेंगे, खूब सारा पैसा कमा लेंगे और फिर फुल समय पूरा समय भगवान की सेवा में व्यस्त रहेंगे। ये बहुत डेंजरस फिलॉसफी है ऐसा सोचना, क्योंकि हमें कुछ साल चाहिए शुद्धिकरण के लिए, हृदय के शुद्धिकरण के लिए। इसका मतलब वो व्यक्ति ने तीसरा अध्याय नहीं समझा भगवद्गीता का, जो ऐसा सोचता है कि मैं 5 साल रहकर खूब ज़्यादा। कई स्टूडेंट्स हमारे ऐसा सोचते हैं, कहते हैं विदेश जाएंगे खूब सारा लाखों डॉलर कमा लेंगे, फिर इंडिया में आकर उसको इन्वेस्ट करके उसके इंटरेस्ट से हमारा घर चलाते रहेंगे और फुल टाइम भगवान की सेवा करेंगे। बहुत डेंजरस है ऐसा सोचना। प्रैक्टिकल रूप से आप ऐसा बाह्य रूप से कर सकते हैं, लेकिन हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा। वो 5-6 साल के से वो 5-6 साल इतना काम करेंगे पैसा कमाने के लिए कि हरि कथा हरि कीर्तन के लिए ज़्यादा समय नहीं होता, कैसे ना कैसे बस 16 माला ख़त्म कर देते हैं बस, कि ये सोच करके 5 साल या 7 साल या 10 साल खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, फिर पूरे समय भजन करेंगे। नहीं, कम से कम 20-25 साल का ये अवधि दी गई है शास्त्रों द्वारा, 25 से 50 ये समय है जिसमें व्यक्ति को, अगर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उसको बाकी सब काम करने ज़रूरी हैं लेकिन सुबह और शाम के कार्यक्रम को करते समय, उसके होते सुबह और शाम के कार्यक्रम के होते तो दिन का कार्यक्रम, दिन की जो क्रियाएं हैं उसको वो कृष्ण चेतना में कर सकता है। संभावना है बहुत हद तक, अगर उसने सही प्रकार से सुबह के कार्यक्रम में भाग लिया है, खासकर सुबह का कार्यक्रम, तो ऐसा संभव है कि दिन में वो नौकरी करे, कॉलेज में जाकर या कंपनियों में जाकर नौकरी करे जिसमें वो केवल जड़ विद्या से डील कर रहा है, केवल भौतिक प्रकृति से संबंधित चीज़ों से डील कर रहा है, लेकिन फिर भी कृष्ण भावना भावित रह सकता है। यही तीसरा अध्याय समझाता है भगवद्गीता का, ना कि वो सब सेवाओं को छोड़ के आप फुल टाइम बस फुल टाइम भगवान की डायरेक्ट सेवा में लग जाएं। ये तो बहुत डेंजरस है ऐसा करना। ऐसे में भगवान गीता में बतलाते हैं ऐसा व्यक्ति बाहर से तो सब इन क्रियाओं को छोड़ के आ सकता है, लेकिन हृदय में अभी भी इंद्र तृप्ति का चिंतन चलता रहेगा। ये तीसरे अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोलते हैं, ये मिथ्या आचार है उसका,
क्योंकि बाह्य रूप से उसने भौतिक क्रियाओं को त्याग दिया है, लेकिन अभी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं हुई हैं। ऐसे समय में फुल टाइम भगवान की सेवा करने का प्रयास करना बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है, वो व्यक्ति बहुत गलत प्रचार कर सकता है और लोगों के लिए। तो इसलिए भगवान ने सोच समझ के आश्रम के कुछ समय दिया है। गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति हैं उनके लिए समय निर्धारित किया कि 20 से 25 साल एक एवरेज दिया है, उतना समय लगता है एक जीव को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए। वो भी अगर उसने पहले 15-20 साल गुरुकुल में रहकर ठीक प्रकार से प्रशिक्षण लिया है, फिर जाकर 25 साल गृहस्थ आश्रम के वो जब सुबह शाम का कार्यक्रम करते हुए दिन भर में अपनी नौकरी करता है तो वो शुद्ध हो सकता है, वानप्रस्थ स्तर पर पहुँच सकता है और संन्यास स्तर पर भी पहुँच सकता है। तो शुद्ध भक्त मतलब केवल हम कभी कभी लोग इतना बाह्य सोचते हैं कि शुद्ध भक्त मतलब केवल सन्यासी जो फुल टाइम भगवान की सेवा में प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह ट्रैवल कर रहे हैं, ये शुद्ध भक्त हो सकते हैं। केवल एक साधारण सा गृहस्थ जो कि नौकरी भी करता है, जो पत्नी बच्चों की देखभाल करता है, वो कैसे शुद्ध भक्त हो सकता है? ऐसा कभी कभी लोग सोचते हैं, बहुत बड़ा ये भ्रम है ऐसा सोचना। कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा भी शुद्ध भक्त हो सकता है और एक बूढ़ा व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई बहुत ऊंचे स्तर पर भी क्यों ना हो, ऊंचे स्तर पर मतलब भौतिक स्तर के, जरूरी नहीं वो शुद्ध भक्त है। या कोई व्यक्ति ने इस जगत के बाह्य चीज़ों को छोड़कर वैरागी का आश्रम ले लिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो शुद्ध भक्त है केवल उस आश्रम को ग्रहण करने से। बाह्य रूप से उसकी कोई अन्य अभिलाषिता शून्य, अभी अन्य अभिलाषिता पूर्णम है, और वो अगर संन्यास आश्रम ले लेता है, जो कई लोग करते हैं ऐसा, तो उससे वो शुद्ध भक्त नहीं होएगा, बल्कि वो तो मिथ्याचारी कहलाएगा। तो हमें बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कौन व्यक्ति किस प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त है, क्योंकि वो भौतिक क्रियाओं में व्यस्त है भौतिकवादी, ये केवल नाम जाप करता है बैठकर 24 घंटे, ये महान भक्त है नहीं। ये दृष्टि को हमें बदलना चाहिए। एक्चुअल शुद्ध भक्त को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दिखने में साधारण ही दिखेंगे बाह्य रूप से, कभी भी इस प्रकार का आडंबर नहीं रखेंगे कि लोग उनको देखते ही पहचान जाए कि शुद्ध भक्त है। हाँ, एक शुद्ध भक्त जब किसी दूसरे शुद्ध भक्त को देखेगा तो देखते ही पहचान जाएगा, चाहे कितना भी बाह्य रूप से आडंबर हो या ना हो, सरलता भी क्यों ना हो। जैसा प्रहलाद महाराज जब राजा बन चुके थे, वो जा रहे थे तो उन्होंने एक मोटे से व्यक्ति को जो नग्न था, कीचड़ में लेटा था, ऐसे नग्न कीचड़ में लेटे हुए व्यक्ति को देखा तो तुरंत वो प्रहलाद महाराज अपने मंत्रियों के साथ जा रहे थे, रुक गए। रुक कर इस व्यक्ति को उन्होंने प्रणाम किया, बड़े ही गहरे और गंभीर आध्यात्मिक प्रश्न पूछे उस व्यक्ति से प्रहलाद महाराज ने। ऐसे चलते हुए जा रहे थे प्रहलाद महाराज, लेकिन रुक के पूछा और बड़े गहरे प्रश्न पूछा। वो व्यक्ति बोला, अवधूत ब्राह्मण था वो, भागवत में वर्णन आता है उसका, तो बोला पहली बार मैं अपने जीवन में कुछ बोल रहा हूँ। जैसे जट भरत का केस था, ऐसे उनका भी केस था। वो बोले क्योंकि मेरे को इस दुनिया में कोई व्यक्ति अभी तक मिला ही नहीं जिससे कुछ बोल सकूँ, बोलने लायक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला मुझे, आप पहले व्यक्ति मिले हैं। तो वो अवधूत ब्राह्मण भी पहचान गया कि ये व्यक्ति हालांकि राजवेश में है लेकिन शुद्ध भक्त है। और प्रहलाद महाराज इस व्यक्ति को देखकर, जो कि कीचड़ में गंदा सा मोटा सा दिख रहा है, लेकिन तुरंत पहचान गए ये शुद्ध भक्त है। उनमें बहुत सुंदर चर्चा हुई जो भागवत में वर्णन है इसका। तो शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त को देखते हैं तो तुरंत पहचान जाते हैं, लेकिन हमारे स्तर पे बाह्य रूप से पहचान पाना कौन शुद्ध भक्त है कौन नहीं बहुत मुश्किल है। एक लक्षण यहाँ बताया गया है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा आज के तात्पर्य में, कि वो हमेशा भगवान से संबंधित सेवाएं, भगवान से संबंधित बातों को करने में व्यस्त रहते हैं। उनके पास कोई भौतिक चीज़ें बात करना या कुछ चर्चा करना, उसके लिए समय नहीं होता। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने सॉल्यूशन दिया, हमारे लेवल पर हमें भगवान से डायरेक्ट चीज़ों से संबंधित समय निकालना चाहिए, सुबह और शाम कम से कम। तो उस समय के निकालने से हमारे अंदर भी वो चेतना आ सकती है, हमारा भगवान से वो संबंध जागृत हो सकता है,
जिससे हम आगे जाकर कुछ ऐसी सेवाएं भी कर पाएंगे जो भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस भाव से कि भगवान के लिए की जा रही है और भगवान के लिए कर पाएंगे फिर। तो ये दो अलग अलग स्टेजेस हैं, एक प्रैक्टिस स्टेज साधना का स्टेज और एक साध्य स्टेज। साधना के स्टेज पे व्यक्ति को जो कार्यक्रम को उपज ने दिया है वो फॉलो करना होगा, और साध्य स्टेज पे व्यक्ति जो सेवा बोलो उस सेवा को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकता है। उसके लिए नाम जाप करना, उसके लिए कोई रेगुलेटेड लाइफ लीड करना आवश्यक नहीं है। तो मैं सोचा इसके इस पे ये चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि मैं कई बार लोगों से बात सुनता हूँ वो उनकी बाह्य दृष्टि के अनुसार कि सन्यासी मतलब शुद्ध भक्त, गृहस्थ मतलब पतित, ये तो पतित व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। धनराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।